Hello students, this is Meenu, your English teacher. Today I'll explain you the fun they had. This is a story about a future time. The story we shall read is set in the future when books and schools as we know now know them will perhaps not exist. How will children study then? अब देखिए उससे ये शायद पहले समय की कहानी है जिसमें कि आज की तरह से जो हम पढ़ते हैं बुक्स वगैरह वो सब नहीं थी. वो किस तरह से पढ़ते थे ये देखिए, इसमें जो है वो रोबोट और ये स्क्रीन जैसे ई बुक्स वगैरह से पढ़ा करते थे. लेट्स मूव ऑन. अब देखिए इसमें क्या है, मार्गी जो है, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हैड इट 17 मई 2157 शी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब देखिए मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा और डायरी पे डेट क्या डाली उसने, 17 मई 2157 यानी कि फ्यूचर. अभी 2121 चल रहा है तो आगे की कहानी है ये, फ्यूचर की कहानी है. और उसमें उसने लिखा कि उस दिन टॉमी को एक रियल बुक मिली. अब रियल बुक मिली, इट वॉज वेरी ओल्ड. मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं वो, कि इसमें ये बता रहे हैं कि जब वो बता रही है ये ओल्ड बुक जो थी मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसको बताया था कि जब उसके ग्रैंडफादर छोटे थे एक लड़के थे तो उन्होंने उस बुक के बारे में बताया था कि वो कैसे उस बुक में स्टोरीज वगैरह पढ़ा करते थे और वो पेपर पर छपा करती थी. दे टर्न द पेजेस विथ वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. अब देखिए इसमें क्या था कि येलो बुक जो थी वो जब उसके पेज पलटे तो काफी पुरानी सी येलो बुक थी. और बड़ी फनी बात ये थी कि उसमें जो वर्ड्स थे बड़ा हास्यप्रद लग रहा था उनको, बड़ा फनी लग रहा था उन बुक्स को, उसमें उन वर्ड्स को पढ़ना उनको, उन बच्चों को, मार्गी और टॉमी को. और उसमें क्या था, एक जगह पर वो सारे वर्ड्स जो थे वो बिल्कुल स्टिल थे, वो मूव नहीं कर रहे थे. और जब आप जैसे कि पर्दे पर स्क्रीन पर जैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं वैसे होते हैं, उसमें उसकी तरह से वो वर्ड्स नहीं थे. और जब उन्होंने पहले पन्नों को वापस पलटा तो वही वाले शब्द पहले जो जहां जो शब्द पहले थे वो वहीं के वहीं बने रहे जैसा कि वो पहली बार में उन्होंने देखे थे. गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन वी आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे इट गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर आई वुडंट थ्रो इट अवे. तो वो कहता है हंसते हुए मजाक सा करते हुए कहता है कितना, टॉमी कहता है कितना बेकार सी बात है, मेरा आइडिया था कि जब तुम इस बात को पूरा पढ़ लोगे तो तुम इसको फेंक दोगे कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे तो ऐसी करोड़ों बुक्स हैं, ये जो काफी लोगों के लिए अच्छी है. मैं तुम्हें इसे फेंकना नहीं चाहूंगा, कहते नहीं दूंगा. तो वो फिर क्या कहते हैं, सेम विद माइन सेड मार्गी. मार्गी ने कहा हाँ ठीक है. शी वॉज 11
एंड हैडन सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। और वो जो थी 11 ईयर्स की थी, उसने उतनी बुक्स टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने देखी थी, क्योंकि वो 13 साल का था, ही वॉज 13। एंड शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा कि तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस ही पॉइंटेड आउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एन एटिक। तो उसने कहा कि हाँ ये तुम्हें कहाँ मिली, अटारी पर, वो बिजी था। उसने उसको इशारा करते हुए इसके बारे में बताया। तो वट इज वॉट्स इट अबाउट, तो उसने पूछा कि ये बुक है किसके बारे में। तो उसने कहा ये स्कूल्स के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, कहते स्कूल के बारे में, बड़ा घृणा से वो बोलती है कि स्कूलों के बारे में क्या लिखना होता है, तो मुझे तो स्कूल्स पसंद ही नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ ही हेटेड इट मोर देन एवर, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब क्या था, मार्गी जो थी ना उसको हमेशा ही स्कूल पसंद नहीं थे, वो हेट करती थी, नफरत करती थी, क्योंकि उसमें उसके पास एक मैकेनिकल टीचर थी जो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट लगातार देती रहती थी ज्योग्राफी में, और उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस थी, उसका जो परफॉर्मेंस थी, प्रेजेंटेशन थी, मतलब टेस्ट में जो उसका स्कोर आता था वो दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा था, मतलब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, और उसकी मम्मी उसको इस बात के लिए थोड़ा गुस्सा करती थी। फिर उन्होंने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर मींस जो कि ये जो कंप्यूटर्स वगैरह जो है उसको रिपेयर करते हैं, चेक करते हैं उनका सारा सिस्टम वगैरह, तो उसको बुलाया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, प्लीज रीड द लेसन, थैंक यू।